किड्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube ऐप पर बेल आइकन को प्रेस करें। माता श्री, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लो पुत्र, ये फल खा लो। फल नहीं खाने मुझे, मोदक चाहिए। अरे पेटू, कितने मोदक खाते हो तुम? ये लो। बस दो ही, ये तो हालक में ही रह जाएंगे। अच्छा चलो, और दो ले लो, बस। और इस चूहे के लिए, ये बेचारा क्या मेरा मुंह तकेगा? ये चूहा मोदक खाएगा? लो, तुम भी लो। मूषक जी, तुम फल खाओ, लड्डू खाकर मोटे हो गए तो दौड़ नहीं पाओगे। तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। नंदी मित्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। देखो, यदि उत्तर नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर घूमूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, ये जो चूहा वहाँ ऊपर बैठा है, उसके शरीर पर कितने बाल हैं? मुझे तो नहीं पता, तुम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ, इसके शरीर पर 10,000 करोड़ बाल हैं। कैसे? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो गिन लो। ठीक कह रहे हैं।
नंदी की पीठ पर से उतर जाओ गणेश जी, वो आपके पिताश्री को छोड़कर और किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। बालक गणेश, नारद मुनि अभी अभी माता पार्वती को ढेर सारे मोदक देकर गए हैं। अच्छा, परंतु माता पार्वती कह रही थी कि छुपा कर रखूंगी, नहीं तो गणेश चट कर जाएगा। चलो चलकर ढूंढते हैं। अरे उठो, प्रभु वो पर देखिए, वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुंचता वहां तक। कितना परेशान करते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माता श्री, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद हैं। अच्छा, नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो।
शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूप। वक्रतुंड कजरारे लोचन, झूमे गाए बाल गणेश, भक्त जनों के कटे कलेश। सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तनमन। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं, उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव, मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत अवश्य कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूंगा। ये असंभव है मुनिवर। रे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। Ha ha ha!
बहुत साहसी है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। शिव जी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दांत पर ले लिया। परशुराम क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं क्या, इसीलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दें, अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तभी से गणेश जी का नाम एकदन भी पड़ गया। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.